मेरी हेयर फॉल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है आई थिंक 2013 से, और मैं हमेशा कैप लगाता था, तो उस कैप को हटाने के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट। आफ्टर सर्जरी मेरे को किसी भी टाइप के ना पेन है ना स्वेलिंग है, और यहाँ का जो प्रोसीजर होता है काफ़ी स्मूथली एंड फ्रेंडली बिहेवियर में होता है। गुप्ता और मैं ओरिजिनली बिहार सासाराम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में CGDA में AO के पोस्ट पे तैनात हूँ लखनऊ में। और जैसे कि मुझे YouTube और वगैरह के माध्यम से इनकी क्लिनिक की जानकारी मिली, और मैं अपने यहाँ सर्जरी कराने के लिए आज डेट 6 July 2024 को आया हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन इसलिए लिया कि जब मोस्टली आप वर्किंग प्लेस पे होते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए आप बोल सकते हो, इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। मेरी हेयर फॉल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है आई थिंक 2013 से, जब मेरे जो बीच के किनारे की हेयर लाइन्स जो होते हैं वो ख़त्म होने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने कुछ तेल्स वगैरह ऑयल वगैरह यूज़ की थी, बट मैंने कभी उतना केयर नहीं की बालों की। और आई थिंक जब मेरी जॉब 2022 में लगी तो मैं वर्किंग प्लेस पे गया, तो थोड़ा ऑकवर्डनेस और शाइनेस बोल सकते हैं। और हेयर फॉल की हिस्ट्री मेरे फैमिली बैकग्राउंड से आती है, मेरे पिताजी को भी मतलब जस्ट सेम मेरे जैसे बाल गिरे हुए हैं, और मेरे भैया के भी। और कुछ नेट्स वगैरह तो मैंने सर्च की थी, उसके बाद इनसे कॉन्टेक्ट किए, इन्होंने मेरे को लगभग 45 to 5000 ग्राफ्ट सजेस्ट किए हैं, और लगभग दो बार में बोले थे कि मेरी सर्जरी कंप्लीट होगी, एक फ्रंटल मोड में और बैक साइड। तो एक तो अभी हो जाएगी, एक बाद में कभी रिकमेंड किए हैं, और सर्जरी के लेके एक्साइटेड। यहाँ के सारे प्रोसीजर स्मूथली फॉलो होते हैं, और जैसा कि मैं अभी इंटर किया था इनके गेट में, तो इन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट और फोटो के लिए रिकमेंड किया, और दोनों स्मूथली हुए। और यहाँ का एक चीज़ और है कि हाइजीन बहुत सही है, क्लीननेस और हाइजीन बहुत मेंटेन्ड है। और बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपको आगे एक बात शेयर करता हूँ, जैसे मेरी सर्जरी कंप्लीट होती है उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और आगे एक बात मिलते हैं सर्जरी का। जब मैं OT में गया तो वहाँ का सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी अच्छा था, OT काफ़ी हाइजेनिक थी, और ड्यूरिंग द OT प्रोसीजर लंबा था, एंड मील प्रोवाइड किया, और डॉक्टर्स और टेक्नीशियन जितने भी थे काफ़ी फ्रेंडली वे में बिहेवियर कर रहे थे, और बीच बीच में बातें कर रहे थे, जिससे प्रोसेस ज़्यादा उबाऊ नहीं लगा। एंड ओवरऑल डॉक्टर्स टेक्नीशियंस और नर्सेज जिनके मतलब क्या बोलें सहयोग से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक्सीलेंट बोलेंगे एक्सपीरियंस रहा। मेरी सर्जरी QST टेक्निक के बेसिस पे हुई है, और मेरे स्कॉल्प जो काफ़ी बॉल्ड थे, और लगभग अप्रोक्स 4500 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं, और जो कि देखने में भी अच्छी अभी तो अच्छे खासे डेंसिटी लग रही है। आफ्टर सर्जरी मेरे को किसी भी टाइप के ना पेन है ना स्वेलिंग है, सर्जरी की प्रोसीजर काफ़ी स्मूथ और एक्सीलेंट वे में रहा, और डॉक्टर जब भी पेन हो रहा था तो आपको ड्यूरिंग पेन के लिए लोकल एनेस्थीसिया दी ही जाती है, इसलिए कोई भी पेन और स्वेलिंग नहीं हुई मुझे। पोस्ट केयर प्रिकॉशंस में डॉक्टर्स ने NS वाटर का बॉटल है, जो कि हर आधे घंटे पर जहाँ जिस एरिया में सर्जरी की गई है उस पर छिड़काव करना है, ताकि आपके बाल जो हैं वो ड्राई ना हो पाए, और उसको हर आधे घंटे पे करना है, हर आधे घंटे एक घंटे पे उसको छिड़काव करते रहना है। देन आपको बहुत सारी मेडिसिन दी गई, जिन मेडिसिन को लेना है
और उसके बाद अगर आपको बाहर निकलना है डस्ट में तो उसके लिए कैप इन्होंने दी है, तो उस कैप को हमेशा लगाए रखना है डस्ट और आगे निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। और एटलीस्ट 15-20 days तक आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का QST क्लिनिक का काफ़ी बेहतर रहा मेरा। अगर आप बॉल्डनेस की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है बॉल्डनेस की चलती, तो एक बार जरूर, मेरा सजेशन है एक बार जरूर आएँ और यहाँ विजिट करें। यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी फ्रेंडली और यहाँ का जो प्रोसीजर होता है काफ़ी स्मूथली एंड फ्रेंडली बिहेवियर में होता है। सो प्लीज़ वंस अ टाइम विजिट हियर। मिलते हैं अपने फर्स्ट PRP पे। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।